वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज मी एना हियर। तो गाइस फाइनली मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से दिल्ली फ्लाई कर रही हूँ, दिल्ली से श्रीनगर। आई एम गोना शो यू गाइस हु आई एम ट्रैवलिंग विद माय फेलो ट्रैवलर्स। तो कहानी बाद में एयरपोर्ट पहुँच के बताएंगे, पहले मैं अभी निकल रही हूँ। एंड ऑल्सो ये घर जो है हम फैमिली अपार्टमेंट है, ये गुवाहाटी वाला घर, दिस इज रेंटेड अपार्टमेंट। अभी हम लोगों का खुद का घर जो है वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी बनने से पहले कैसा दिखता है, बिकॉज ये भी एक मेमोरी पे रह जाएगा, यहाँ पे ब्लॉग पे रह जाएगा बनने से पहले वाला। एंड बनने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ऑफकोर्स बिकॉज आई एम गोना ब्लॉग सो मच इन गुवाहाटी। तो ऑफकोर्स वो घर भी आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ हैप्पीनेस। सो लेट्स गो, अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ। लाइक ऑलवेज आई एम कैरिंग दिस बैग, इतना कंफर्टेबल है। एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस जॉगर सेट जो मैं होम के साथ जाके खरीदा था, आप लोग देखा था ब्लॉग में। चलिए चलते हैं, पहुंच गए हैं। ये रहा हमारा घर, टॉप फ्लोर में होगा हमारा घर। पूरा बिल्डिंग हमारा नहीं है, इसमें से एक फ्लैट हमारा होगा। तो चलिए चलते हैं देखने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो गया है, ये वाला बिल्डिंग जो है। दिस इज सो नाइस टू कम हियर। एक्चुअली मॉम एंड डैड स्पेशल रिक्वेस्ट किया है ये बनाने के लिए, सो डैट हम लोग ये जो है बाद में घर जब बन के हो जाएगा तब भी हम लोग देख सकते हैं बैक देन। अच्छा, ये घर ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ था, वैसा देखने के लिए एक मेमोरी बन जाता है ना, तो इसीलिए। तो चलिए, हमारा फोर्थ फ्लोर में है, तो हम जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर, और थर्ड फ्लोर में हमारा, सॉरी। पहुंच गए हैं, ये साइड हमारा होगा, ये साइड दूसरा फैमिली का होगा। ओके, और यहाँ से छत जाता है एज यू एंटर। ये देखिए, ये हॉल रूम होगा, वो शायद किचन होगा, और ये मेरा रूम। ओके, दिस इज गोइंग टू बी माय रूम। और बालकनी व्यू बहुत पसंद है मुझे, ये देखिए व्यू इतना फ्रेश और सुंदर है। हाँ, हमको बालकनी चाहिए ही चाहिए इसीलिए। और यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट, ओह कॉमन टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट। और ये भाई दोनों का रूम होगा, यहाँ पर बालकनी नहीं है। मुझे स्पेशली बालकनी बहुत ज़रूरी होता है इसीलिए। और उसके बाद ये किचन डाइनिंग ना, ये डाइनिंग किचन, ये ओपन किचन, और ये डाइनिंग प्लस कॉमन रूम, प्लस कॉमन रूम इस साइड। और ये मम्मी पापा का रूम। ओके, ये बालकनी है। अच्छा, ओके, तो ये है अंडर कंस्ट्रक्शन। ये टॉयलेट नाइस, 3 BHK, 4 BHK बनाने वाला था, बट ज़्यादा छोटा हो जाएगा रूम लोग, इसीलिए 3 BHK काफ़ी। सो या दैट्स इट ना भाई, इतना ही है ना। अभी मैं छत पे जा रही हूँ, इतना फ्रेश है यहाँ पे कि वर्कर्स सब यहाँ में काम कर रहे हैं, सब काम कर रहा है। आई कॉन्ट वेट ये घर पूरा कंप्लीट होने के लिए। एंड घर कंप्लीट होने के बाद भी आप लोगों को हाउस टूर वीडियो दिखाऊंगी। ये है कंस्ट्रक्शन का बिफोर कंप्लीट वाला वीडियो, तो ये मेमोरी भी रह जाएगा ना गाइस। और मम्मी पापा को टाइम नहीं मिल रहा गुवाहाटी आने के लिए, तो थ्रू माय वीडियोस दे विल सी कितना तक कंस्ट्रक्शन हो गया। सो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉग किया एयरपोर्ट निकलने से पहले। तो मैं अभी जा रही हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम, अभी निकलना पड़ेगा। बाय बाय, निकल रहे हैं अभी हम लोग। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, थोड़ा डिपार्चर। बहुत भूख लगा है, थैंक यू गाइस, आई एम इन द एयरपोर्ट नाउ। इतना भूख लगा है, इतना थ्रू आउट द डे इट वॉज सो बिजी डे कि मुझे टाइम ही नहीं मिला खाने के लिए। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट में आया और चिकन रोल ले लिया है ये खा के, गेट नंबर 7 पे जाके अपने फ्लाइट के लिए वेट करती हूँ। ओके, वीडियो भी पोस्ट कर रहा है और गेट नंबर 7 पे वेट कर रहा है। फ्लाइट बोर्डिंग करने से पहले जल्दी जल्दी अपलोड हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
तो गाइस मैं अपना फेलो ट्रैवलर लोग से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ. अभी मैं अभी जा रही हूँ, मेरा अभी 7:25 को मैं ले रही हूँ एयर एशिया फ्लाइट, और मेरे फेलो ट्रैवल में ट्रैवलर्स को ले रहे हैं इंडिगो. हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पे मिलेंगे, और दिल्ली से हम लोग सेम फ्लाइट पे होगा श्रीनगर तक का. तो अभी अभी मिले हैं उनको, मेरे पीछे ही बैठे हैं, अभी इंट्रोड्यूस करती हूँ सबसे. एंड इट्स सो नाइस, मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये लोग, इन लोग के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ. एंड अमंग देम वन इज़ माई सिस्टर, वो जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी. मैंने पहले वाली ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ, आई यूज़ टू स्टडी इन काजीरंगा इंग्लिश अकेडमी गुवाहाटी. तो वहाँ पर शी यूज़ टू बी वार्डन मैम देयर, तो वहाँ पर मैम बोलती थी. अभी तो दीदी बन गई है मेरी, बहुत क्लोज. तो उन लोग ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन एयरलाइंस हियर इन गुवाहाटी. तो इट्स सो नाइस, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू ट्रैवल विद देम. इट्स सो नाइस, एंड ऑल्सो आई एम सो एक्साइटेड टू नो देम इन पर्सन. अभी ट्रैवल करने से हम लोग और इंसान को और अच्छे से जानते हैं, और नया कनेक्शन बनाते हैं. तो लाइक वाइज आई एम सो एक्साइटेड टू ट्रैवल विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड टू गेट टू नो मोर अबाउट देम. सो या आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑल ऑफ देम नाउ. तो यहाँ पर हैं सब लोग, इंट्रोड्यूस करती हूँ. वहाँ पे एयर होस्टेस भी है जो मेरा सब्सक्राइबर है, इट्स सो नाइस टू नो उसको. और इससे तो इंट्रोड्यूस करती हूँ, शी इज प्राप्ति सेस. हाय, शी इज़ द वन हु यूज्ड टू बी इन काजीरंगा इंग्लिश एकेडमी. तो उसके उसकी फ्रेंड्स है ये लोग सब एयरलाइंस के. उसके बाद हाय, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. So nice to travel with you. So excited. And hello. आपका नाम रूपम. सो हम लोग तीनों ट्रैवल कर रहे हैं, आई मीन चारों ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग. एंड आप दोनों वर्क ड्यूटी पे है, एंड माई सब्सक्राइबर. सो नाइस, हेलो, नाइस टू मीट यू. आपका नाम? माय नेम इज केक. केक, वाओ. एंड योर्स? ओके, आप दोनों नागालैंड से? वाह, मणिपुर, नागालैंड. ओके, विशी बाल पैसे दे पाई कि नहीं? थैंक यू सो मच, सब्सक्राइबर है मेरा. बाय. ड्यूटी में है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट टू नो टू ऑल ऑफ देम. तो फाइनली बोर्डिंग कर रही हूँ. मेरा गेट नंबर 7 है और उनका गेट नंबर 8 है. तो हम लोग दिल्ली पे मिलेंगे. वर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग विद एयर होस्टेस, क्या होता है कि सीट का मिडल सीट ब्लॉक करा रहा है. सो नाइस, दैट्स व्हाट इट इज, वर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग विद एयरलाइंस. देखिए मेरा नाम करके सीट को वो कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, अच्छा वाला. सो नाइस, और मेरा चेक इन हो रहा है यहाँ पर गेट नंबर 7. बाय, सी यू गाइस इन दिल्ली. बाय, थैंक यू. मेरा यहाँ पे क्यू है, बार बार होना या साफ करना चाहिए. सिंग माय वीडियो एंड मीनवाइल आई एम बीइंग सो हैप्पी. आई थिंक यहाँ पर कोई नहीं बैठने वाला है. डैम, अगर कोई नहीं आएगा तो दिस होल 3 सीट इज माइन. फाइनली गाइस आई एम फ्लाइंग एंड आई गॉट लकी. विजिट आवर वेबसाइट www.airasia.com. सो हैप्पी, दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है. पूरा खाली है, पूरा सीट खाली है. सो हैप्पी, मेरा बैग के लिए जगह है. ये बैग के लिए एक सीट और वो बैग के लिए एक सीट और मेरे लिए एक सीट. सी यू गाइस इन दिल्ली. सांस लेते रहे. सक्रिय होने के बाद ऑक्सीजन बैग का पूरी तरह से फूला ना होना सामान्य है. अनाउंसमेंट, इन केस ऑफ लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर यू मस्ट रिमूव योर फेस मास्क एंड फेस शील्ड बिफोर यूजिंग द कैबिन ऑक्सीजन. किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे स्थल कर्मचारी से संपर्क करें. एयर एशिया से यात्रा करने के लिए धन्यवाद. हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली. फॉर योर सेफ्टी प्लीज रिमेन सीटेड एंड यूज योर मोबाइल फोन इज नाउ. दिल्ली पहुंच गया फाइनली. बेल्ट नंबर 6 जाएंगे. बेल्ट नंबर 6 में पैकेज लेके आई वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स. अभी ये रोल खा के वेट करूँगी फेलो ट्रैवलर मेट्स के लिए. वो लोग टर्मिनल 2 पे हैं तो दे विल कम हियर इन टर्मिनल 3. आई मीन टर्मिनल 3.
फर्स्ट नाइट हम लोगों का एक साथ ही होगा। रीयूनाइटेड विद द टीम, उन लोग कुछ बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। तो पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग विद एयरलाइन वर्क एयरलाइंस टीम, पूरा क्यू हटा के लगेज ड्रॉप कर दिया क्यू पे खड़ा होना नहीं पड़ा। 7 AM का फ्लाइट है तो हमको लाउंज में रहना पड़ेगा, तो अभी हम लाउंज पे जाएगा डिपार्चर के अंदर जाके, और उसके बाद हमको लगेज जो ड्रॉप करते हैं ना, बैगेज ड्रॉप करने के लिए जो क्यू होता है उसमें खड़ा होना नहीं पड़ा, हमको सीधा लगेज सीधा बैगेज ड्रॉप कर दिया। पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग विद एयरलाइन टीम, ये दिस इज हाउ द लाउंज लुक एयरपोर्ट का। और ये मेरा पहली बार है लाउंज पे एक्चुअली, क्योंकि मेरा इतना लंबा फ्लाइट कभी नहीं था। सो अर्ली मॉर्निंग 7 AM का फ्लाइट है एंड अभी टाइम भी हो रहा है 1 AM इन द मॉर्निंग, तो इसीलिए वी हैव लाइक 5-6 आवर्स टू रेस्ट। तो और यहाँ पर प्लेटिनम कार्ड होने से हो जाता है, आप एक्सेस कर सकते हो एंड जस्ट 25-30 rupees डिडक्ट करता है, एंड देन फूड भी मिल जाता है यहाँ पर, बुफे है। सो लेट्स सी क्या है खाने पे, क्या है, आई थिंक दिस इज क्या, ये उपमा साबुदाना, ओ या रेजिन सैलेड, आलू चना दाल, फिर यहाँ पे है प्लेन कर्ड, सेवियाँ की खीर, स्टीम राइस, अच्छा है और उसके बाद ये है दाल पंचमेल, एंड दिस इज़ पनीर शाक वाला, आई थिंक दिस इज़ चिकन लबादार, या प्रीटी मच, एंड दिस इज़ रोटी। सो इट्स सो नाइस, आपको ये लाउंज पे खाना भी फ्री मिल जाएगा, सो नाइस। अभी एयरपोर्ट में इतना एक्सपेंसिव होता है कुछ भी खाने पीने का सामान, तो टैक्स ज़्यादा होके, तो इट इज़ सो नाइस इफ़ यू एक्सेस दिस लाउंज एंड देन यहाँ पे खाना भी आपको मिल जाएगा। सो या बुफे, सो हैप्पी, इतना प्रिविलेज टू ट्रेवल विद एयरलाइंस टीम, इतना अच्छा लग रहा है। बस मैंने टैकोस खाया था वहाँ पे, रोल लाइक टैकोस, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही लिया अभी के लिए, आई डोंट वांट वेस्ट फूड। मैंने चिकन तंगड़ी 1 पीस लिया और रोटी 1 और 1 सेवाई लिया, चिकन करी, पास्ता, राइस, दाल, वाह होलसम। और आपने भी लिया पनीर, चिकन, राइस, दाल। अभी डिनर कर लिया यहाँ पे, अभी रिलैक्स कर रही हूँ। दिस इज सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। मैंने ट्रॉली के ऊपर पाव रख लिया क्योंकि पाव लंबा करने के लिए ये चेयर वो नहीं आता, सिर्फ चेयर जैसा ही। बाकी लोग अभी भी खा रहे हैं तो मैं आके बैठी हूँ ताकि नोबडी टेक्स हर सीट। सो या लेट्स वेट फॉर देम। हाँ बच्चा, मॉर्निंग अलार्म, आई वॉज स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो बच्चा ने उठा दिया। They are not disturbed at all. Wow. सुबह का 4 बज गया है, we still have another 2 more hours. 7 AM का फ्लाइट है। तो गाइस सुबह का 5 बज रहा है और ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड, इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया, लेट मी शो यू गाइस। सब ब्रेकफास्ट ले रहे हैं यहाँ से और हमारा 7 AM का फ्लाइट है, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट वी हैव टू लीव। सो मच आइटम्स, बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, बस इंग्लिश ब्रेकफास्ट लिया है। गुड मॉर्निंग, सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, माई ब्रेकफास्ट इज हियर। तो अभी लाउंज को गुड बाय बोलेंगे हम लोग, निकलेंगे, निकल जाएंगे, सबका ब्रेकफास्ट खा के हो गया, इट वाज नाइस, नाइस स्टे हियर।
कॉफ़ी पी रही हूँ और अपना फ्लाइट के लिए बोर्डिंग करने वेट कर रही हूँ। आर गेट इज़ 42A। तो फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट टू श्रीनगर। बोर्डिंग द फ्लाइट हम दोनों यहाँ पे हैं। बीच वाला रो बीच वाला सीट को ब्लॉक किया है। आई थिंक देयर्स नो पैसेंजर सीटिंग हियर, तो मैं यहाँ ही बैठ रही हूँ क्योंकि विंडो का व्यू रिकॉर्ड करना है मुझे। और दोनों बैठे हैं वहाँ पर सीधे सीधे पे उस साइड पे। तो ये पूरा रो पे इट्स ओनली 4 of us। सो एक्साइटेड टू रीच श्रीनगर, पहली बार ना। सो डैम एक्साइटेड क्योंकि ये राइट समय है श्रीनगर घूमने के लिए। दिस इज द सीजन। अभी टूलिप गार्डन का तो बहुत सीजन चल रहा था। कृपया ध्यान दीजिए, सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें और अपने फेस मास्क, शील्ड और गाउन को सही। भैया का वॉच खो गया, बहुत दुखी है। फनी थिंग इज गाइस, यहाँ पर सिम कार्ड हमको लेना पड़ेगा यहाँ पहुँचने के बाद। तो हमारा पास सिम कार्ड नहीं है और कॉल भी नहीं लग रहा था। ड्राइवर को कैसे कॉल करो, लेकिन ड्राइवर जी ने हमको देख के ही पहचान लिया। दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। तो इज आर ड्राइवर भैया। और हमको अभी सिम कार्ड लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सिम कार्ड जो है नहीं चलता है ड्यू टू बॉर्डर इशूज। हमको यहाँ का सिम कार्ड लेना पड़ेगा विच इज़ रजिस्टर्ड यहाँ का। तो अभी हम लोग कोई भी किसी का भी फोन पे नेटवर्क नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो प्रायोरिटी विल गेट अ सिम कार्ड फॉर आवरसेल्व्स। ये दिस इज सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। ओ तो भैया का कहना है कि अभी बेस्ट टाइम है कश्मीर घूमने के लिए एंड वी आर सो लकी बेस्ट टाइम पे आया है, स्पेशली ट्यूलिप गार्डन के समय। पूरा फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग फुल्ली, बहुत सुंदर जगह है, बहुत पैराडाइज ऑन अर्थ। इट्स ट्रू। अभी आधा भी नहीं देखा, थोड़ा भी नहीं देखा, 1% ही देखा। आई मीन 1% भी नहीं देखा, फिर भी कश्मीर से प्यार हो गया। लेट्स एक्सप्लोर। वाओ, घर लोग भी सुंदर सुंदर है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं यहाँ पे। फील्स लाइक थोड़ा अब्रॉड में आया जैसा है यहाँ का एम्बियंस। आई मीन द व्यू, घर का व्यू, रास्ता इतना साफ सुथरा है, पर्पल वाला फूल इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो गाइस वेदर है 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे और इतना ठंडा नहीं है, मतलब यहाँ के लोग के लिए भी वेदर। भैया आप लोग के लिए ये ठंडा ठंडा है क्या?
नहीं ये नॉर्मल है, नॉर्मल है ना। अभी ये तकरीबन ये दिन का ना 32 तक हो जाएगा। अच्छा 32 तक हो जाता है दिन को। ओके तो ठंडा होता होगा? नहीं उतना ज्यादा भी नहीं, लाइटली स्वेटर या जैकेट लाइटली सुबह जल्दी निकल जाते और हल्का जैकेट पहनने से हो जाता है। और हमारे लिए स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए तो ये ठंडा बिल्कुल ठंडा नहीं, नॉर्मल है क्योंकि हमारे एरिया भी ऐसे ही है वेदर। ये देखिए इधर कितना सुंदर सुंदर है, 11 बजे तक मार्केट धुनिया धुनिया को रस है। आसाम से भी ज्यादा सेफ है यहाँ पे ना भैया, मीडिया लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हैं ना, ज्यादा चलाने के लिए। हाँ टीआरपी के लिए हमारे यहाँ पे सारे लोकल हाउस है, लोगों के घर है। हाँ जैसे वहाँ पे ना आउटसाइड जैसे दिल्ली नॉर्थ वगैरह में ना ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बन जाती है, तो यहाँ पे ऐसे कॉटेज टाइप के बनता है। अच्छा कॉटेज टाइप के घर ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ये जगह का नाम जैसे ये राइट साइड पे ये घर है, इसमें 8 से 9 कमरे होंगे और 4-5 बाथरूम होंगे। अच्छा और सही जितने हम लोग गाड़ी में इतनी बड़ी फैमिली होगी। अच्छा लेकिन फिर भी सोचे कि हमारे पास जगह कम है। भैया ये एरिया का नाम क्या है? इसे बोलते हैं हैदरपुरा। हैदरपुरा तो फिलहाल हम हैदरपुरा पे हैं। ये मेन सिटी में नहीं आता ना भैया? ये सिटी स्टार्ट होती है जैसे एयरपोर्ट से निकल जाते हैं ना। हाँ हाँ समझो सिटी एरिया स्टार्ट होता है। अच्छा अभी हम जो तकरीबन एयरपोर्ट से हमें जाना 18 किलोमीटर डल लेक साइड मेन जो टूरिस्ट प्लेस है। हाँ तो हम डल लेक पे जा रहे हैं, वही मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो हम वही पे हाउस बोट पे स्टे कर रहे हैं। Let's go. आरु को की कोई से लेते आते हैं? सबे दुनिया जगह है दुनिया। This is called paradise on earth. इसीलिए लोगों के साथ साथ जगह भी सुंदर, सब पूरा सुंदर, मिट्टी भी सुंदर, हवा भी सुंदर, पानी भी सुंदर है ना भैया? हाँ इंडिया का सोना हीरा है ये कश्मीर जो है। क्या है मतलब खाने में क्या वेज खाते हैं? नॉन वेज खाते हैं ना यहाँ पे। आपको नॉन वेज में कश्मीरी वाजवान, कश्मीरी वाजवान तो काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे। और मटन की तकरीबन 22 डिशेस रहती है। 22 डिशेस तो मार्केट से वो सारा डिशेस तो नहीं मिलती है, वो अक्सर जैसे शादी ब्याहों में पकते हैं तो कुछ चीजें ऑर्डर बनाने पड़ते हैं। अगर तो बाकी जो नॉर्मली 5-7 डिशेस नॉर्मली हर एक रेस्टोरेंट में रहती है। फ्लाइट से जैसे व्यू देखने को मिला था उसी समय से आई हैव बीन लाइक रिमेम्बरिंग गॉड, लाइक थैंक यू सो मच, जितना भी थैंक यू फिर भी कम डिफरेंट होता है। कहाँ पीने मिलेगा भैया जी? ये आपको थोड़ा सा आउटसाइड जैसे पहलगाम वगैरह जाओगे ना वहाँ पे ये अपना हाउस बोट भी मिल जाएगा। ये शाम के टाइम वो बनाते ही होंगे, कंपलसरी वो बन जाती है। गाइस मुझे ये अभी पता चला यहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं है और नहीं होने का कारण भी है। क्या कारण है भैया? यहाँ पे एक्चुअली जो ना पिछले 30 सालों से बंद पड़े हैं सिनेमा। 30 साल से? हाँ 99 में वो तकरीबन बंद हुए। अच्छा 89 में, 1989 से सिनेमा हॉल नहीं चलता यहाँ पे। और वाइन वगैरह ये जो ना वो शॉप एक है यहाँ पे खाली का वाइन शॉप। अच्छा डल लेक में मैंने देखा था गूगल, वाइन शॉप एक ही है पूरा कश्मीर में डल लेक में। मुश्किल से 2-3 लोग यहाँ दारू पीते हैं, तो इसीलिए पूरे कश्मीर में सिर्फ डल लेक में एक ही वाइन स्टोर है, तो डल लेक पे मिलेगा वाइन स्टोर। इंडोर स्टेडियम ये देखिए, जालिम नदी है, बैक वाटर है। ये जालिम नदी में भी हाउस बोट है और डल लेक में भी है, सब में है ना, जितने भी लेक है सब में हाउस बोट है। और हम जा रहे हैं डल लेक में रहेंगे हम लोग हाउस बोट पे। तो गाइस यहाँ पर जो छोटे छोटे बोट है, ये जो बोट दिख रहा है आपको छोटा छोटा, इसमें किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल के रखे है, कोई कुछ बिजनेस खोल के रखे है, मतलब
ऐसा है। और तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक मार्केट भी लगता है, सब्जी मंडी भी लगता है ना भैया। हाँ फ्लोटिंग मार्केट है ना भैया। कब लगता है भैया? हर सुबह के 5 बजे लगता है ना? नहीं अभी 6 बजे होता है। अच्छा ठीक है, नमाज के बाद ही अभी जो हाँ। कितना इंटरेस्टिंग है, शायद इंडिया में एक ही होगा, यहाँ पर ही होगा कश्मीर पे, ऐसा कभी देखा नहीं ऐसा, इतना इंटरेस्टिंग है ये देखिए। वाओ ब्यूटीफुल। हाँ चेकअप करेंगे मॉर्निंग का। हाँ हाँ सब्जी तो नहीं लेंगे लेकिन जाके देखेंगे। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जरूर व्लॉग करूंगी। वुडन ब्रिज है पूरा। ये है घाट नंबर एक। वाओ यहाँ से 20 किलोमीटर तक डल लेक है, ये घाट नंबर एक है। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल, सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर है। ये सब हाउस बोट है, ऐसे वाले हाउस बोट पे हम रहने वाले हैं गाइस। यहाँ पर टोटल 1000 जैसे बोट होगा हाउस बोट, और पूरे वर्ल्ड के नेम्स आप लोगों को देखने मिलेगा हाउस बोट पे। साइड काफ़ी होटल्स हैं और इसके जस्ट अपोजिट पूरा डल लेक का बोट्स हाउस बोट है, आप रह सकते हो, हाउस बोट पे भी रह सकते हो और होटल्स पे भी रह सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट टू एक्सपीरियंस दिस हाउस बोट। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं हाउस बोट डल लेक पे। अभी हम लोग यहाँ पर बोट पे बैठ के हाउस बोट पे जाएंगे जो हमने बुक किया है हमारे लिए। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे जो है ये फेरी राइड है, यहाँ पे हम लोगों का लगेज लेके जा रहे हैं और फिर क्या हम बैठेंगे और उसके बाद हाउस बोट पे जाएंगे। तो गाइस ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा होगा तो आई एम गोना एंड द ब्लॉग हियर, और हाउस बोट पे जाने के बाद मैं आप लोगों को हाउस बोट का टूर दिखाती हूँ, तो वो दूसरा ब्लॉग होगा, जरूर देखना वो ब्लॉग, वेट करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।